और सब बड़े का नारा देकर जहां केंद्र और राज्य सरकार हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा देकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं इस सब के बीच लगातार शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षा के मंदिर में मासूम छात्रों से जबरन काम कराने का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद नगला गंगाराम के एक सरकारी स्कूल से आ रहा है, जहां पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से मिड डे मील के झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। दरअसल फिरोजाबाद के टुंडला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला गंगाराम के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के बर्तन धुलवाने का काम करवाया जा रहा है। जिन मासूमों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, वे स्कूल में लगे हैं हेडपंप पर बर्तन साफ कर रहे हैं। मासूम छात्रों से झूठे बर्तन धुलवाए जाने की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे मासूम बच्चे नलकूप पर मिड डे मील के बर्तनों को साफ कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल टीचरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, स्कूल की टंकी में पीने का पानी भी नहीं है, बच्चे रोड़े पार करके बर्तन साफ करके आते हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अभिभावकों ने कहा कि टीचरों के साथ इस ओर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नाम है आपका? रुकम पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला गंगाराम के। जो नगला गंगाराम में जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने आप ही बर्तन धो रहे हैं यहाँ पे। बताइए तो यहाँ आपने टीचरों से शिकायत नहीं करी? जी, टीचर इस बात को खुद नहीं देख रहे हैं कि इनको पीने के लिए पानी नहीं है, टंकी सरकारी लगा रखी है, लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं फिर ये बर्तन भी धोएंगे, पानी भी यहीं पिएंगे। तो ये बच्चे बिना अकेले चले आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट फैक्सीडेंट के यहाँ गाड़ी चल रही है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कौन जिम्मेदार इसको मानते हो आप? अध्यापक लोग होंगे जिन्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी गिरफ्त में घर से तो बच्चे स्कूल में आए पढ़ने के लिए, अब इसका जवाब तो अध्यापक ही देंगे। ये कहाँ जा रहे हैं पानी पीने के लिए, ये इतना नहीं जानते कि नल लगवाना चाहिए सरकारी? तो यहाँ बर्तन धोने के लिए स्कूल में कोई कर्मचारी है यहाँ पे? अभी खाना बनाने वाले हैं। तो ये बर्तन नहीं धोते बच्चों के झूठे? नहीं धोते बच्चों के झूठे। क्या बोलते हैं वो? ये वो तो ये कहते हैं हमारा खाना बनाने का काम है और बच्चों को खाना देने का काम है, उसके बाद बच्चे खाना खाएंगे, अपने पानी पिएंगे, अपने बर्तन धो के लाएंगे। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ बर्तन धो रहे हैं, स्कूल में कोई बर्तन धोने वाली कर्मचारी नहीं आया कोई? तो आप डेली बर्तन यहीं धोते हो आप? तो आप ही बर्तन धोते हो या कोई स्कूल में कोई आता है बर्तन धोने वाले? नहीं, कोई नहीं आता। तो मैडम क्या कहती हैं आपसे? मैडम तो देखो कुछ ना कहती। तो अब वो बर्तन धोने के लिए मना नहीं करती, आप बर्तन धोने के लिए यहाँ पे आते हो स्कूल से बाहर? नहीं। तो क्या कहती हैं कि बर्तन धोने के लिए बोलती हैं क्या वो अपने? नहीं। तो आप यहाँ किसकी परमिशन से आए यहाँ पे बर्तन धोने के लिए? टंकी में पानी नहीं था। अच्छा, तो उसमें जब टंकी में पानी होता है जब कौन बर्तन धोता है? अच्छा, आप अपने झूठे बर्तन अपने आप धोते हो? कौन से क्लास के छात्र हैं आप? आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।